हेलो प्यारे बच्चों तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर चैप्टर सेवन फाइट मंजू फाइट बाय सुग्रुन श्रीवास्तव एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास सिक्स सो लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर वी विल रीड अ स्टोरी अबाउट अ स्पेशल गर्ल हुज नेम इज मंजुला परेलकर वी ऑफन फेस वेरियस चैलेंजेस इन अवर डे टू डे लाइफ तो बच्चों हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हैं वैन फेस्ड विद सच चैलेंजेस डू यू थिंक एनकरेजमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हेल्प यू तो बच्चों जब भी हम ऐसे ऐसे चुनौती भरे कुछ कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि अगर हमें अपने दोस्तों से अपने फैमिली मेम्बर से कुछ हेल्प मिले और प्रोत्साहन मिले तो कितना अच्छा हो रीड अ स्टोरी अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ डिफरेंटली एबल गर्ल हु एस्पायर्स टू बिकम अ पेंटर डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी। तो आइए हम ये कहानी पढ़ेंगे जो एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही चुनौती भरे जीवन में जी रही है वो डिफरेंटली एबल गर्ल है और उस, उसकी जो इच्छा थी वो एक पेंटर बनने की थी किसके बावजूद उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद वो एक पेंटर बनना चाहती थी. रीड ऑन टू फाइंड आउट इफ़ शी इज़ एबल टू ओवरकम द ऑब्सटेगल्स इन फ्रंट ऑफ हर टू अचीव हर ड्रीम तो आइए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि क्या इतनी सारी बाधाएं उसके रास्ते में आने जो आई थी उनको उसने फेस किया अपने जो सपना है उसको साकार करने के लिए तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है मंजुला पारेलकर न्यू नो हुसैन हुसैन यहाँ पर है अ वेल नोन मॉडर्न पेंटर एम एफ हुसैन का नाम सभी ने सुना होगा वो बहुत फेमस पेंटर थे मंजुला पारेलकर जानती थी कि वो एम एफ हुसैन नहीं है और ना ही बन सकती है शी कुड नेवर बी नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर्ट्स दोज क्लॉ लाइक माल फॉर्म फिंगर्स जस्ट टू ऑफ दैम टू ऑन ईच हैंड। वो कभी भी नहीं बन सकती हुसैन। कम से कम उन हाथों से जैसे उसके क्लो लाइक माल फॉर्मड फिंगर्स है मालफ होता है बॉडी दैट इज और मिस डिफॉर्मड जिसका पूरा विकास नहीं हुआ है उसके हाथों में दोनों हाथों में सिर्फ दो दो उंगलियां थी वाई हर हैंड्स टू क्यों उसके हाथों में ऐसा हुआ वॉजेंट इट एन अपट हर फीट वीफॉर्मड Ending in two massive moon-shaped toes, pointing at each other, the hard nails touching, grating each other. Whenever she wore wrong shoes, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो मंजुला पारेलकर है उसके दोनों हाथों में दो दो उंगलियाँ हैं डिफॉर्म्ड हैं वो क्या कहती है कि क्या ये काफ़ी नहीं था कि जो उसके पैर हैं वो भी डिफॉम्ड हैं जिसमें मून शेप जो हैं टोज हैं वो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं और जो हार्ड नेल्स हैं वो टच करते हैं और जब भी वो एक दूसरे को ग्रेट करते हैं ग्रेटिंग मीन्स रबिंग और स्क्रैपिंग इन एन इरीटेटिंग तो उससे क्या होता है जब कभी वो गलत शूज पहन लेती है तब उसके साथ ऐसा होता है शी वो रॉन्ग शूज मोस्ट ऑफ द टाइम और वो गलत शूज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पहनती थी फॉर देर वॉरि शूज इन द मार्केट सॉफ्ट एनफ फॉर हर क्लमजी फीट क्लमजी होता है अगली तो मार्केट में ऐसे कोई भी शूज़ उसके लिए नहीं बने थे जो काफ़ी सॉफ्ट हों अब उसके अगली पैरों के लिए हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डेंट माइंड दैम सो मच उसके जो पैर थे वो अधिकतर उसको दर्द देते थे तकलीफ देते थे लेकिन वो उनको ज़्यादा माइंड नहीं करती थी उनकी ज़्यादा परवाह नहीं थी शी शिकोट हाइड दैम इन दोस अगली मेड टू ऑर्डर शूज़ वो उनको अपने पैरों को जो अगली मेड टू ऑर्डर शूज़ जो उसके हैं उनमें उसको वो छुपा सकते थे बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स शी तो वो अपने हाथों को नहीं छुपा सकते थे क्या छुपा सकती थी मंजुला पारेल का न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन वो जानती थी कि वो हुसैन की तरह कभी पेंट नहीं कर सकती बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल लेकिन वो अच्छा पेंट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं हैंडलिंग ब्रशज़ वॉज नो प्रॉब्लम ब्रशज़ को हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी दे डेंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल पेंसिल से वो ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं थे जैसे वो पेंसिल होल्ड करती थी तो ब्रश को भी होल्ड कर सकते थे हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल शी वुड नीड उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि जिस जो पेंटिंग में मटीरियल यूज होता है उसकी कॉस्ट उसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम थी मम शी आस्ट वन इवनिंग वाई हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर डू यू थिंक आई कुड शी पॉज नर्वसली आई कुड गेट सम एक्स्ट्रा मनी टूमोरो तो जैसे ही मंजुला अपनी मदर के पास एक इवनिंग में किचन में हेल्प करने गई डिनर के बाद तो उसने क्या पूछा कि मम की क्या वो थोड़ा सा रुक गई और कहती है कि आई कुड गेट extra मनी tomorrow. क्या मुझे कल थोड़े से एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है वट यू नीड इट for? आस्ट हर मदर जेंटली रिंसिंग द dishes. और जब उसकी मदर जो है किचन में बर्तन धो रही थी तो वो जेंटली उससे पूछती हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए पैसे

तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है जैसे ही वो उसका जो ब्रदर है वो डोर पर खड़ा है तो वो अपने थम करने लग जाता है डोर को अपने पाम से अपने हथेली से उस डोर को बजाने लग जाता है और चैंट करता है बार बार क्या कहते हैं वी वॉन्ट आइसक्रीम वी वॉन्ट आइसक्रीम हमें आइसक्रीम चाहिए हमें आइसक्रीम चाहिए इग्नोरिंग हेम उसको इग्नोर करते हुए हर मदर रिपीटेड उसकी मदर ने रिपीट किया वाई डू यू नीड द मनी मंजिला मंजिला तुम्हें क्यों पैसा चाहिए फॉर कलर्स एंड पेंट्स आई आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग तो उसने क्या कहा मुझे कलर्स और पेंट्स के लिए पैसा चाहिए क्योंकि मुझे पेंटिंग सीखनी है पेंटिंग आस्ट हर मदर अनबिलीविंगली तो अविश्वास की भावना से उसकी मदर ने क्या कहा पेंटिंग तो तुम्हें पेंटिंग चाहिए करनी है पेंटिंग बट यू शीज एड रोका और फिर quickly उसकी मदर ने एड किया नाइस कि हॉबी nice हाँ ये एक अच्छी हॉबी है इट विल बी मोर देन अबी रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली और मंजुला ने रिप्लाई दिया और क्या कहा कि ये हॉबी से बढ़कर कुछ है मेरे लिए मिसेस परेलकर लुकड एट हर डॉटर सर्चिंग सर्चिंगली होते हैं बच्चों विद लुक इंटेंडेड टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में आपको अगर सत्य घोष निकालना है तो उसको ऐसे देखते हुए अपनी बेटी की तरफ उसने देखा कि सच्चाई क्या है शी गेज लॉन्ग इंटू दो सीरियस मैलन कॉलिक आइज मैलन कॉलिक है वेरी सैड तो वो बहुत जो उदास आँखें थी उनको देखते हुए गेज होता है उनको देखना Closing the tap, she walked over the, to the kitchen cupboard and pulled out an ornate metal tea box from the topmost shelf. तो अब वो बर्तन धो रही थी उसकी मदर तो उन्होंने टैप को बंद किया और वो किचन की कब्र्ड में गई और वहाँ से एक ऐसा मेटल बॉक्स निकाला मेटल का टी बॉक्स निकाला ऑर्नेट ऑर्नेट होता है हाईली डेकोरेटेड विद कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स एंड शेप्स तो वो जो बॉक्स था वो काफ़ी सजा हुआ था फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ उस ऊपर सबसे ऊपर वाली शेल्फ से उन्होंने वो डिब्बा उतारा माय पिगी बैंक शी स्माइल उसकी मदर ने हंसते हुए क्या कहा ये मेरा पिगी बैंक है डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस तो किसी को ये मेरा पैसे छुपाने की जगह को किसी को नहीं बताना देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इन टू मंजुलाज हैंड फिर उन्होंने कुछ पैसे जो है मंजुला के हाथ में देते हुए उसको हाथ में पैसे दिए गो अहेड एंड बाय वट एवर यू नीड डियर तो जाओ मंजुला जो भी तुम्हें खरीदना है उसके खरीद लेना हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग तो आप इन्जॉय करो फन करो और मुझे उसके बाद आप पेंटिंग दिखाना मंजुला पारेलकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे तो मंजुला पारेलकर ने अपनी जो फर्स्ट पेंटिंग है अपनी मदर को अगले ही दिन दिखाई मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज वाई दैट इज़ ब्यूटिफुल आई डेंट नो वट यू वर दिस गुड तो मंजुला उसकी मदर ने एकदम जैसी पेंटिंग देखी तो उन्होंने अपना जो नीडल वर्क है वो बहुत हैरानी से वो नीडल वर्क जो काम कर रही थी वो छोड़ दिया और एकदम एकदम उन्होंने सरप्राइजिंगली बोला मंजुला वाई दिस इज़ ब्यूटिफुल तुमने बहुत सुंदर बनाया है मैं नहीं जानती कि तुम पेंटिंग में इतनी अच्छी हो डू यू रियली थिंक सो एस्ट मंजुला डाउटफुली अब मंजुला ने संदेह पूर्वक क्या पूछा क्या आप सच में सोचते हो कि बहुत अच्छी है कोर्स डियर शी held वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ इट लुक्स परफेक्ट तो उन्होंने जो uh, उसकी मदर ने उसको क्या कहा कोर्स ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है ओ मम क्राइड मंजुला प्लीज दिस इज जस्ट द बिंग ने आई विल पिक अप फास्ट तो वो क्या कहती हैं ओ मम ये तो अभी शुरुआत है फिर मैं इससे भी अच्छे आपको आगे प्रोग्रेस करके दिखाऊंगी आई एम श्योर यू विल हर मदर रिटर्न द पेंटिंग तो उसकी मदर ने कहा हाँ मैं जानती हूँ तुम जरूर मेहनत करोगे और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाओगे और उसको पेंटिंग वापस कर दे यू शो इट टू पापा ही विल बी इम्प्रेस तुम्हें ये पेंटिंग जो है पापा को दिखानी चाहिए और वो इम्प्रेस हो जाएंगे मिस्टर पारेलकर पोस्ट हिस्स ग्लासेज अप एंड ग्लांस एट मंजुलाज वर्क अब मिस्टर पारेलकर जो वहाँ बैठे थे तो उन्होंने अपने जो चश्मा है उसको ऊपर किया हटाया और एक नज़र डाली मंजुला की जो पेंटिंग थी उस पर वेल डन वेरी गुड उन्होंने क्या कहा बहुत अच्छा शबाश अ नाइस पिक्चर बहुत अच्छा बनाया है सी व्हाट कैन यू डू देखो तुम क्या क्या कर सकते हो इवन दो मॉल फॉर्म फिंगर्स जबकि उन्होंने जो उसके पंजे जो था मंजुला का जो हाथ था पंजा जो मॉल फॉर्म था डिफॉर्म था उसकी तरफ बिना देखे ही उन्होंने ये सब कहा शी न्यू ही मेंट और वो जानती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं शी सलोड ड्राइली ड्राइली होते सूखा तो उसने एकदम वो को निगल लिया उस बात को समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली और कुछ तो अंदर है जो उसे काफ़ी चुभ रहा है काफ़ी दर्द दे रहा था शी न्यू द पेन वो उस दर्द को जानती थी शी वॉज यूज टू इट लेकिन वो इस दर्द से वाकिफ थी और इस दर्द को वो उसकी आदि हो चुकी थी उसको आदत पड़ गई थी कीप इट अप हर फादर पैटेड हर सेटलिंग इन हज फेवरेट चेयर विद्यूज न्यूज़पेपर और उसके फादर जो हैं अपनी फेवरेट चेयर में बैठे हुए थे जो न्यूज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने क्या कहा कीप इट अप इसे जारी रखो और उन्होंने थोड़ा थपथपा के उसे शाबाशी दी ही इनक्वायर्ड इज़ द टी रेडी फिर उन्होंने क्या पूछा कि क्या चाय रेडी है वाई डोंट यू फ्रेम इट क्राइड हर ब्रदर अमोल स्नेचिंग द शीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड अब मंजुला के हाथों से वो शीट लेते हुए ड्राॅइंग शीट जो थी वो लेते हुए उसका जो ब्रदर है उसने चिल्लाया कि तुम इसे फ्रेम क्यों नहीं करा लेती और वाई डोंट यू सेल इट और तुम इसको बेच क्यों नहीं देती रेजिंग इट ओवर इज हैड ही इमिटेटेड एंड ऑक्शनियर थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड रुपीज था वन टू थाउजेंड अब उसने उसके ब्रदर ने जैसी उसकी शीट उसके हाथ से ली और ऊपर हाथ उठाते हुए उस शीट को और चिल्लाना शुरू किया कि ये नीलामी हो रही है ऑप्शन और दो हजार रुपये दो हजार और जिसने भी बोली लगाई बताइए कौन इसकी ज़्यादा बोली लगाएगा दो हजार, एक, दो हजार अमोल हिज मदर वॉन्ड हेम तो उसकी मदर ने उसको चेतावनी दी अमोल ऐसे डांटते हुए कहा पुड दैट पेंटिंग डाउन एट वॉन्स उस पेंटिंग को नीचे रख दो टेल मी हैव यू फिनिश योर होमवर्क तुम मुझे बताओ क्या तुमने अपना होमवर्क कम्प्लीट कर लिया द वर्ड होमवर्क वॉज एनफू सोबर अमोल और ये एक शब्द होमवर्क ये काफ़ी था उसको शांत करने के लिए ही क्राफ्ट टू हिज रूम फिर वो अपने रूम में चला जाता है मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेस एंड पेंट्स एंड इन इनटू अनदर वर्ल्ड, अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर्स, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग्स सो डेस्परेटली डेस्परेटली होता है बच्चों ईगरली वेरी मच तो मंजुला जो है वापस लौट जाती है अपने ब्रशेज और पेंट्स की दुनिया में जहाँ वो एक वो बह जाती है ड्रिफ्टेड मतलब बह जाती है इन टू अनअदर वर्ल्ड एक अलग अलग ही दुनिया में एक अलग संसार में एक ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर चमकते हुए रंगों की दुनिया में ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स और बहुत ही सुंदर रूप और परफेक्ट शेप्स द वर्ल्ड वेयर शी वॉन्टेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली ऐसा संसार जिसमें उसे डूब जाना बेहद पसंद है जिसको वो बहुत ही चाहती है नो बड़ी हैड आस्ट मंजुला परेलकर वॉट शी वॉन्ट फॉर हर थर्टी बर्थ डे बट शी गॉट ऑल शी है मंजुला परेलकर को कि उसे अपने तेरहवें जन्मदिन पर क्या चाहिए कि उसकी एजींथ हो गई है लेकिन उसे वो सभी मिल गए हैं जो वो सीक्रेटली विश कर रहे थे जो मन ही मन वो चाह रही थी गिफ्ट वो सभी उसे मिल गए ओ मदर मदर क्राइड मंजुला ओवर वैम्ड ओवर वैम्ड मीन ओवर कम विद हैप्पीनेस बहुत ही खुशी से एकदम ओवरवेलम हो जाना तो उसने क्या कहा माँ माँ अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स वाटर कलर्स का सेट आर्टिस्ट कलर्स थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर हर मदर प्रेजिडेंट बुक इन टू हर हैंड्स और उसकी मदर ने एक बुक उसके हाथ में देते हुए कहा और ये तुम्हारे पिताजी की तरफ से है पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप मंजुला जम्प इन एक्साइटमेंट हर डार्क आईज शाइनिंग विद हैप्पीनेस ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्राम ऑफ दिस तो वो क्या कहती है वो इतनी खुश है ये सब गिफ्ट पाकर तो उसने जो बुक देखी पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग की बुक है तो वो बहुत ही खुशी से उछली और उसकी जो डार्क आइज़ थी वो एकदम खुशी के मारे चमक गई और उसने क्या कहा ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्रैम्ड ऑफ दिस मैंने इसको सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये मिल जाएगा यू वुडेंट हैव ड्रम्प्ड ऑफ दिस प्रेजेंट ईदर सेड हर ब्रदर विद अ अस्चिवियस स्माइल होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल टाइटली रैप्ड एंड नोटेड अब जो उसका ब्रदर है उसने क्या कहा कि तुमने इस प्रेजेंट को भी कभी नहीं सोचा होगा उसने एक मिशीवियस रहस्य में स्माइल दी उसके ब्रदर ने और उसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल था जो रैप था और नोटेड था नोटेड यानी कि उसपे गांठ बंदी हुई थी गिफ्ट एकदम पैक्ड था मंजुला आई डिड मंजुला ने इसको बहुत ही रहस्यमय तरीके से देखा शी वॉन्ट वॉजन टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिशीवियस और सिंपली मीन तो कभी कभी उसे संदेह होता था कि सच में उसका भाई जो है उसके साथ शैतानी कर रहा है या सच में वो अनकाइंड है बट ही वुडेंट बी मीन ऑनर बर्थडे लेकिन इतना वो अनकाइंड उसके बर्थडे पर तो एटलीस्ट नहीं हो सकता शी बिगेन अन डूइंग द नॉट टाइट नोट एंड टुक ऑफ द रेपर ओनली टू फाइंड एन अदर नोट टेने क्या करा उस गिफ्ट की जो है आ, उसको अनबॉक्स करना शुरू किया गिफ्ट को और टाइट नोट जो थी उसको खोलना शुरू किया उसके बाद दोबारा दूसरी नोट आ जाती है शी हेटेड अन नोटिंग पार्सल्स उसको अन करना पार्सल्स को पसंद नहीं था वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर उसके ब्रदर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया ब्रिंग हर द सीजर शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड तो इसके लिए कैंची लेकर आओ इस उसके फादर के पीछे से ये आवाज़ आती है जो उसे सुनाई देती है वाई आस्ट अमोल एनॉयड नॉयड इजेंट इट फन तो अमोल ने क्या कहा क्यों उसने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा क्यों सीजर क्यों क्या ये मजा नहीं है कि आप गिफ्ट को अन रैप करते जा रहे हो करते जा रहे हो इट वॉज फन ये कोई मजाक नहीं है इट वॉज शीअर टॉर्चर ये एक कोरा टॉर्चर है हाउ एवर शी स्ट्रगल्ड ऑन विद द नॉट्स ऑल एलेवन ऑफ दैम फिर भी उसने बहुत स्ट्रगल करके उन्हें अनटाई किया उन्हें खोला गांठों को ऑल एलेवन ऑफ दैम और कितनी थी वो इलेवन थी वैन फाइनली शी मैनेज टू अनवल द लास्ट वन अनरेवलोता बच्चों अनटाई यानी कि जब उसने लास्ट वाली नोट जो है खोल ली शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विदिप ऑफ पेपर इन साइड उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसके अंदर एक पेपर था स्लिप थी शी न्यू वट वुड बी रिटर्न ऑन इट वो जानती थी इस पर क्या लिखा होगा सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम उसे लगा कि इस पर लिखा होगा सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम इट वॉज जस्ट लाइक अमोल ये अमोल ही तरीके से था दो ही वॉज ओनली आई और यंगर घर समाइम्स शी फेल्ट आ हंड्रेड ईयर्स ओल्डर देन हिम तो ये वो सिर्फ उससे एक ही साल छोटा था लेकिन फिर भी कभी कभी उसे फील होता था मंजिला को कि वो उससे कम से कम सौ साल बड़ी है इट ही ऑस्ट अर्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंटलीसुएड तो उसने क्या कहा इसको पढ़ो आप शी रेड उसने पढ़ा लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो अपने पिलो के अंडर आप नेक्स्ट क्लू को पढ़ो ओ नो क्राइड मंजिला ने कहा ओ नो लेकिन उसके भाई ने उसे खींचते हुए उसके बेडरूम में लेके गया इवन लिफ्ट पिलो फॉर हर इवन उसने पिलो भी उसके लिए उठा दिया एंड देयर टाइट विदिंक रिबन ले थ्री वॉटर कलर ब्रशेज और वहां पर क्या था एक पिंक रिबन बंधा हुआ था जिसमें थ्री वाटर कलर ब्रशेज थी सेबल हेयर, सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी तो उसके ब्रदर ने क्या कहा आर्टिस्ट क्वालिटी की सेबल हेयर की है सेबल हेयर मीन्स अ स्मॉल एनिमल हु फॉर इज यूज टू मेक हाई क्वालिटी आर्टिस्ट ब्रशेज तो ऐसे एक जानवर की थिक फर है जिसको यूज किया जाता है हाई क्वालिटी आर्टिस्ट क्वालिटी की ब्रशेज बनाने के लिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों शी स्टड द न्यू बुक फ्राम कवर टू कवर एंड सोन यूज अप ऑल द फार पेपर्स तो बच्चों उसने क्या किया नई बुक जो उसे मिली थी उसने उसे कवर टू कवर जो है देखा और उसको पढ़ा और उसके बाद उसने सारे पेपर्स उसके यूज़ कर लिए शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग शी नीडिड स्पेशल वाटर कलर पेपर बट दैट वॉज एक्सपेंसिव अब उसे पता था कि अच्छे वाटर कलर पेंटिंग के लिए अच्छे पेपर्स चाहिए लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं माम शी टोल्ड हर मदर पेंटिंग एट थिन वॉबली पेपर आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन द रियल वाटर कलर पेपर वॉट डू यू थिंक अब वो अपनी माँ से क्या कहती हैं अपनी माँ को उसने बताया कि उसने थिन पेपर की तरफ पॉइंटिंग करके वॉबली पेपर की तरफ वॉबली पेपर होता है बहुत थिन होता है जैसे डगमगाना एकदम स्टेबल नहीं होता बहुत पेपर, प्लेन पेपर पतला पेपर होता है आई कोड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर तो वो क्या कहती है कि मैं अच्छी पेंटिंग जो है वाटर अच्छी वाटर कलर पेपर पर कर पाऊँगी आप क्या सोचते हो यू आर राइट रिप्लाइड हर मदर अब उसकी माँ ने क्या कहा तुम सही कह रही हो बट ओह वॉटर वंडरफुल पेंटिंग ओह ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग तुमने बनाई है यू हैव इम्प्रूवड अलॉट तुम्हारी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है पेंटिंग में आई विल टॉक टू पापा टुडे मैं तुम्हारे पापा से आज बात करती हूँ आफ्टर डिनर वैन द चिल्ड्रन वर इन बेड मिसिज परेलकर स्पोक टू हर हजबेंड अबाउट मंजुलाज पेंटिंग्स और डिनर के बाद जैसे ही बच्चे सोने चले गए बेड में तो मिसिज परेलकर ने अपने हस्बैं से बात की मंजुला की पेंटिंग के बारे में मंजुला डिट नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज अब मंजुला नहीं जानती थी समझ नहीं पाई कि उसकी अचानक उसके पापा की जो आवाज़ है वो इतना तेज ऊँची क्यों हो गई ही नेवर रेज इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर और उसकी मदर के सामने वो कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते थे विद हर हार्ट थम्पिंग वाइल्डली टिप टो टो टूअर्ड्स द ड्राॅइंग रूम एंड पेट इन और उसका दिल तेज़ तेज थपथपा रहा था धड़क रहा था वाइल्डली बेतहाशा बहुत तेज तेज़ धड़क रहा था शे टिप टोट यानी कि पंजे के बल वो धीरे धीरे गई ड्राइंग रूम की तरफ और उसने अंदर की तरफ झांका स्मिता प्लीज़ शी हर्ड हर फादर से और उसके फादर की आवाज़ उसने सुनी तो वो उसकी मदर को कह रहे हैं स्मिता प्लीज़ वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव वाटर कलर पेपर जो है बहुत महंगे हैं एंड शी वॉन्ट नीड वन ओनली और उसे सिर्फ एक ही पेपर नहीं चाहिए शी विल नीड्स डजन ऑफ दैम उस दर्जनों पे पर चाहिए वेयर विल द मनी कम फ्रॉम पैसा कहाँ से आएगा इट डजन ग्रो ऑन ट्रीज और ये पैसा जो है पेड़ों पर नहीं लगता आई नो हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसीफाइंग और उसकी माँ ने क्या कहा कि मैं जानती हूँ उसकी माँ की आवाज़ कैसी थी वॉइस बहुत सॉफ्ट थी और पैसीफाइंग थी पैसीफाइंग होते बच्चों कॉजिंग सम वन हु टू बी टू बिकम काम किसी को जैसे कोई गुस्से में है तो उसे शांत कराना दैट इज स्पेसिफाइंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप हर फादर कंटिन्यूड विद वाइल पेसिंग द रूम अब उसके फ़ादर की जो आवाज़ है वो थोड़ा और पेस में बढ़ती जा रही थी और वो क्या कहते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स है शॉट अप और सब्जी के दाम भी कितने बढ़ गए हैं अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ अमोल को नए जूते चाहिए दिस करटन्स नीड अ चेंज और इन करटन्स जो है हमें पर्दे ये भी चेंज करने हैं इस टॉप एंड लुकड एट हिज़ वाइफ टेंडरली और वो फिर थोड़ा सा रुके और उन्होंने अप उनकी अपनी वाइफ की तरफ थोड़ा सा टेंडर लिया यानी कि दया से नम्रता से देखा एंड यू यू हैवेंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली और तुम तुमने तो पिछले दिवाली से अभी तक तो कोई नई साड़ी भी नहीं ली डू यू थिंक आई डेंट आई डोंट नोटिस ऑल दिस तो तुम क्या समझती हो मैं ये सब नोटिस नहीं करता हूँ हर मदर टर्न हर फेस अवे एंड आई डोंट नीड अ सारी अब उसकी मदर ने दूसरी तरफ मुँह फेर के धीरे से कहा मुझे कोई सारी नहीं चाहिए आई हैव एन एव टू लास्ट मी आर लाइफ टाइम मुझे जिंदगी भर के लिए काफ़ी हैं जो कपड़े हैं मेरे पास लेट्स बाई आर हर अ फ्यू शेट्स टू बिगिन विथ उसको शुरुआत करने के लिए कुछ शेट्स खरीद लेते हैं स्मिता स्मिता सेट मिस्टर परेलकर वियरली वियरली होते टायर्यर्डली थका हुआ तो मिस्टर पार्लकर क्या कहते उसे क्या कह, कहते हैं स्मिता स्मिता इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स ये एक कोई कुछ शीट्स का मैटर नहीं है आफ्टर वाटर कलर इट विल बी ऑयल्स देन कैनवासेज एंड वट नॉट उसके बाद शीट्स के बाद वाटर कलर चाहिए फिर ऑयल्स चाहिए फिर कैनवासेज चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए पेंटिंग के लिए वाइट डज शी वॉन्ट टू पेंट वो पेंट क्यों करना चाहती है ऑल ऑफ ऑल थिंग्स वो सभी चीज़ें क्यों पेंट करना चाहती हैं वाई डजेंट शी लर्न समथिंग मोर यूजफुल लाइक कुकिंग और स्टिचिंग वो कुछ और काम की चीज़ें क्यों नहीं सीखती जैसे कुकिंग है या सिलाई है विद दोज हैंड्स ऑफ ऑफर्स शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट वो अपने उन हाथों के साथ कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी प्लीज़ क्राइड हर मदर डोंट से दैट एवर अगेन ऐसा कभी भी मत कहना प्लीज़ उसकी मदर ने उसके फादर को ऐसा कहा नेवर आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट मैंने तुम्हें बताया है वो बहुत टैलेंटेड है मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू स्टूडेंट अथॉरिटी ऑन आर्ट हो सकता है हम उसकी जो आर्ट है वो हम अथॉरिटी को दिखाएं मंजुला पारेल कर रिटर्न टू हर रूम मंजुला जो है अपने रूम में वापस आ जाती हैं। शी डेंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स वो इंतज़ार नहीं कर पाई कि अथॉरिटी में उसकी आर्ट्स को दिखाया जाए शी टॉर दम अपू बिट्स वन बाई वन स्लोली विदाउट शेडिंग अ टीय हर क्लो लाइक फिंगर्स एब्सलूटली स्टडी और उसने अपने उन हाथों से जो क्लॉ लाइक फिंगर्स हैं उन्हीं से अपनी जितनी भी शीट्स थी जितनी ड्राइंग्स उसने की थी सबको वन का वन करके उसने सभी बिल को टुकड़े टुकड़े कर दिए शी बंडल्ड अप द वॉटर कलर्स एंड थ्री ब्रशेज ऑल ऑल ऑफ बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी एंड टक टेम अवे इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कबर्ड अब उसने क्या किया जो अपने वाटर कलर्स थे ब्रशेज थे और अपने आर्टिस्ट क्वालिटी के जितने भी बेस्ट उसको सबको बांध दिया और कबर्ड में बहुत ऊंचे दूर अपने कबर्ड में छिपा के रख दिया मदर शी सेट द नेक्स्ट डे कमिंग इन टू द किचन डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग तो क्या कहती है माँ किचन में आते हुए कहती है माँ क्या आपको कुकिंग में मेरी मदद चाहिए वाई मंजू वाई हर मदर लुकड एट हर इन सरप्राइज तो हैरानी से उसकी माँ ने उसकी तरफ़ देखा और कहा क्यों मंजू तुम ऐसा क्यों कह रही हो वाई मंजू वाई शी रिपीटेड नोटिसिंग द पेन इन हर आइज अब मंजू की माँ ने देखा उसकी आंखों में एक दर्द था तो वो रिपीट करते हुए बार बार पूछ रही है क्यों बिकॉज सेडमला इन एज स्टडी वॉइस एज शी कुनेज अब वो अपनी आवाज़ को जितने स्थिरता दे सकते थे उतने स्थिर करके आवाज में कहती है क्योंकि बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज अ यूजफुल थिंग क्योंकि मुझे लगता है कुकिंग जो है एक यूजफुल चीज है मंजुला पारेलकर लर्न टू कुक टू फ्राई एंड टू बेक मंजुला पारेलकर ने कुक करना फ्राई करना और बेक करना सी शी हेटेड इट लेकिन उसको ये सब कुकिंग से सब करने से नफरत थी एंड शी हेट ऑल शी कुक्ड कु एंड बेक्ड शी हेटेड दैट द मोस्ट और वो ये सब पकाने के लिए उसे पसंद नहीं है दिस करो इज रियली गुड मॉम क्राइडामोल आई वुड लाइक सम मोर तो अमोल क्या चिल्लाता है जब वो खाना वाना बना बन जाता है तो अमोल जो है उसका जो ब्रदर है वो क्या कहता है हे मॉम दिस करी इज रियल गुड ये करी तो बहुत ही अच्छी है स्वादिष्ट है और मुझे थोड़ी और चाहिए मंजुला मेड इट स्माइल मिसेस पारेलकर मिसेस पारेलकर ने क्या कहा मंजुला ने इसे बनाया है मंजुला आज हर ब्रदर सरप्राइज कुकिंग यू आर कुकिंग आर यू कुकिंग आई थॉट यू वर इंटू पेंटिंग तो वो बहुत हैरानी से क्या कहता है मंजुला ने बनाई है कुकिंग ये कब से कुकिंग करने लगी मुझे तो लगा ये पेंटिंग करती है आई स्टॉप्ट पेंटिंग मंजुला रिप्लाइड कीपिंग हर आइज ऑन हर प्लेट अब मंजुला ने अपनी आंखों को एकदम प्लेट की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने पेंटिंग को बंद कर दिया है बट वाई अमोल व शॉक्ड यू वर सो गुड एट इट यू मस्ट बी क्रेजी तो वो क्या कहता है अमोल कि क्यों तुमने ऐसा किया पेंटिंग क्यों बंद की मैं तो वो एकदम हैरान था ये सुनकर उसने क्या कहा तुम तो बहुत अच्छी थी पेंटिंग्स में तुम तो एकदम क्रेजी हो गई हो यानी कि पागल हो गई हो अमोल हिज फादर स्कोल्डेड हिम नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस तो अमोल ने क्या कहा अमोल को कहा उसके फादर ने डांटते हुए अमोल ऐसी लैंग्वेज जो है घर में इस्तेमाल नहीं करना है सॉरी पापा बट वाई मस्ट शी डू अ डोंट थिंग लाइक दिस सॉरी पापा लेकिन वो ऐसी डम थिंग क्यों कर रही है आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवम्बर एट माई स्कूल मुझे तो लगा था कि ये ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन जो नवंबर में है मेरे स्कूल में उसमें ये हिस्सा लेगी वाई शी वुड हैव इजीली बैक द फर्स्ट प्राइज़ क्योंकि वो आसानी से फर्स्ट प्राइज़ जीत सकती है हे मंजू ही टर्न टू हिज सिस्टर वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी हे hey मंजू तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो कम से कम मेरे लिए इसमें पार्ट ले लो साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल अब सभी डाइनिंग टेबल पे एकदम शांत हो गए नोबडी स्पोक कोई बात नहीं कर रहा था मंजू लॉ वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर वो इंतज़ार कर रही थी कम से कम कुछ शब्द उसके फादर की तरफ से हर शोल्डर्स सैग्ड व्हेन मिस्टर परिल कैजुअली चेंज द टॉपिक शैग सेग्ड होता है बच्चों ड्रोप्ड ड्रोप्ड स्लॉम्प्ड और बैंड डाउन, जैसे झुका लेना तो उसने अपने कंधों को झुका लिया लेकिन मिस्टर पारेलकर ने कैजुअली टॉपिक को चेंज कर दिया आई हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक उन्होंने क्या कहा मुझे नेक्स्ट वीक जो है मुंबई जाना है देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट ताज और ताज में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आई विल नीड माई सूट मुझे मेरे सूट की ज़रूरत पड़ेगी टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो और इसे आयरन कर सकते हो ये सब उन्होंने अब उनकी मदर से कहा मुंबई थाट मंजुला पारेलकर हम मंजुला पारेलकर ने सोचा मुंबई शी वुड लाइक टू गो टू मुंबई टू वो भी मुंबई जाना चाहती थी पीपल वर डिफरेंट देअ वहाँ पर लोग काफ़ी डिफरेंट हैं अलग हैं दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स वैन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पर कोई भी उसके हाथों को जब पहली बार देखेगा तो कभी उसके बारे में कोई खुशफुसाट नहीं करेगा और गिव हर देट क्रेडिड ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक और कोई भी उसे ऐसे दया सहानुभूति की तरफ से नहीं देखेगा कि ओ पुअर चाइल्ड एंड देर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन मुंबई और मुंबई में एक आर्ट कॉलेज भी है आर्ट मंजुला पारेलकर वॉज थ्रू विद आर्ट शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड हाउ एवर मच इट हर्ट हाउ एवर मच तो मंजुला जो है मंजुला पारेलकर है वो उसकी एक आर्ट की ही दुनिया है उसने लेकिन आर्ट अभी छोड़ दिया है मंजुल मंजू हर मदर्स वॉइस रीस्ट हर फ्रॉम फार अवे विल यू गिव मी मिया हैंड अब मंजू को आवाज़ आई कि उसकी मदर की उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम तो मेरी मदद करोगी मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक मंजुला ने हेल्प की स्टील ट्रंक को नीचे रखवाने की मिसेस पारेलकर ओपन डेट बट देन शट इट अगेन मिसेस पार्वलकर ने उसे खोला लेकिन उसे फिर से एकदम बंद कर दिया टर्न टू मंजू डिस मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू तो उन्होंने क्या कहा मंजू मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मदर प्लीज़ इंटरप्टिड द गर्ल हर डार्क आईज बर्निंग डोंट बट मंजू लेकिन जो लड़की थी मंजुला उसने कहा नहीं बीच में रोकते हुए अपनी माँ को कहा नहीं माँ बट मंजू प्लीज मदर प्लीज़ माँ प्लीज़ तो उसने उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया मिसिस पारेलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फॉर्मली बाई शोल्डर्स एंड लुकड हर स्ट्रेट इन हर इन द आइज अब मिसिस पारेलकर ने क्या किया अपनी बेटी को कंधों से ऐसे पकड़ कर और उसकी आँखों में देखा हर वॉइस फॉर्म विद डिटर्मिनेशन शी सेड डोंट गिव इन मंजू तो उन्होंने क्या कहा कि तुम अभी उदास मत हो और अभी गिव इन गिव इन मत करना गिव इन मतलब यहाँ पर है क्विट एडमिट डिफीट अभी अब हार नहीं मानना मंजू देर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव तुम्हारे अंदर वो सब कैपेबिलिटी है जो दूसरी लड़कियों में नहीं होती लेट इट कम अप इसको अन, अंदर से आने दो तुम बहुत टैलेंटेड हो इवन इफ़ यू हैव टू फाइट फाइट मंजू फाइट और तुम्हें लड़ना है मंजू लड़ो उठो मंजुला फेल्ट अलम्प इन हर थ्रोट शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर फेल्ट अलम्प इन हर थ्रोट मींस फेल्ट एज दो शी माइट क्राई कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों जैसे हमारा गला भर जाता है हम रोने को होते हैं तो यही सिचुएशन यहाँ पर मंजुला की होती है तो वो उसको ऐसा फील हो रहा होता है लेकिन वो रो नहीं पाती शी टर्नड अवे फ्राम हर मदर और अपनी माँ से वो थोड़ा दूर चली जाती हैं मंजू लुक एट मी हर मदर सेट जेंटली उसकी माँ ने कहा मंजू मुझे देखो यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स तुम्हें मास्टर बनना है ऑब्स्टेकल्स जो तुम्हारे रास्ते में जितने भी हर्डल्स होंगे प्रॉब्लम्स होंगे उनसे सामना करना है द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दैम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर और जो तुम्हारी शक्ति है स्ट्रेंथ है विल पावर है वो सब तुम्हारे अंदर से ही आएंगी मंजुला टर्नड अराउंड इन एंग्विश एंग्विश है गुस्सा तो मंजुला एकदम गुस्से में टर्न हो जाती है स्टॉप प्रीचिंग प्रीचिंग मीन्स गिविंग अनवांटेड एडवाइस इन अ बोरिंग वे उसने क्या कहा उपदेश देना बंद करो माँ मदर जस्ट स्टॉप प्रीचिंग यू सी इट इज इट इज़ तो उसने क्या कहा कि मदर तो ये सब बोलना बंद करो इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट शी वॉन्टेड टू से बट डीप इन साइड शी नो इट वो कहती है ये सब पापा की गलती है अपने मन में सोचती है लेकिन वो ऐसा कहना चाहती है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो समझती है कि ये उसके फादर की गलती नहीं है फिर यही सब कह सुनी होने के बाद शी डैश टू हर रूम वो अपने रूम में चली जाती है फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बैड एंड बरीड हर फेस इन द पिलो और वो बेड पर जाके गिर जाती है और अपने फेस को पिलो में डाल देती है बट शी क्राई लेकिन वो रो नहीं पा रही थी द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम और जो आंसू नहीं आ पा रहे थे वेन एट लास्ट शी सेटअप हर आइज फैलोना न्यूज पेपर कटिंग ऑन द टेबल फिर एक जो न्यूज़ पेपर कटिंग थी टेबल पर उस पर उसकी दृष्टि गई स्ट्रेंज शी थॉट उस ये बहुत अजीब बात थी उसने सोचा आई डेंट कीप इट हेयर देअर मैंने इसको यहाँ नहीं रखा पजल्ड शी पिकड इट अप एंड रीड और फिर वो हैरान हो गई पजल हो गई और फिर उसने उसको पढ़ना शुरू किया प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट और आर्टिफिशियल फीट के साथ खेलना द बोल्ड हैडिंग स्क्रीम्ड एट हर और ये जो बोल्ड हैडिंग थी उस वो चीख रही थी उसकी तरफ इन न्यू हेम्सायर शी रीड ऑन रिच बैलेंगर अब उसने आगे पढ़ना शुरू किया रिच बैलेंगर हु हैट लॉस हिज फीट इन ट्रेन एक्सीडेंट डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशल फीट एक रिच बेलेंगर हैं जिन्होंने अपने एक पैर खो दिया था ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो फुटबॉल खेलेंगे आर्टिफिशियल फीट के साथ हीज कोच था इट वॉज रिडिकलस उनके कोच ने सोचा कि ये बहुत ही भद्दा भद्दी चीज़ है हीज़ पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट उसके पेरेंट्स को ये सब नहीं पस पसंद था दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइन इन रेड और ये सेंटेंस जो रेड लाइन से अंडरलाइन था बट बेलेंगर स्टंक टू इट एंड मेड इट टू द नशा टीम्स एज द डिफेंसिव एंड लेकिन बेलेंगर ने यह ठान लिया था कि मुझे फुटबॉल टीम में होना ही होना है फिर उन्होंने नशाओ टीम में डिफेंसिव एंड पर अपने आप को रखा मंजिला बारेल का ड्रॉप मंजुला ने वो क्लिपिंग वहां रखी वॉय उसने बहादुर लड़का उम्मीद नहीं खोईड वर पीपल हेड दूसरे लोगों ने ऐसा कहा लेकिन फिर भी वो खेला पर है मदर वॉज राइट और उसे लगता है शायद मेरी मदर सही कह रही हैं शी हेड टू फाइट फाइट ऑन लाइक रिच बेलकर मुझे लड़ना है और इस तरह लड़ना है जैसे रिच बैलेंगर लड़ रहा है मंजुला वॉकड ओवर टू हर कबर्ड हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेज फिर मंजुला एकदम अपने कबर्ड की तरफ जाती हैं और जो उसका ढेर लगा है क्लोथ्स का उसके कपड़ों का है और उसमें से कलर्स और ब्रशेज को निकालती हैं शी रैन हर थम ओवर द सॉफ्ट ब्रिस्टल्स और उसने जो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स हैं ब्रिस्टल हो तो स्टिफ हेयर अटैच्ड ऑन अ ब्रश ब्रश एंड द लॉन्गिंग टू पेंट सी एंड स्मेल कलर्स ड्रॉफ टीयर्स इनटू हर आइज और जो उसकी स्मेल है पेंट की कलर्स की उससे क्या हुआ वो उसने जब उसको इतना प्रेम है उनसे पेंट से कि ये सब देखकर कर कलर्स स्मेल करके उसको आंसू आ गए ऑन द डे ऑन द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट हर ब्रदर सेट ब्रेकफास्ट के बाद उसके ब्रदर ने कहा आई एम ऑफ मॉम रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट रतन और मैं एंट्रेंस गेट पे हेल्प करने वाले हैं दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड वहाँ पे बहुत भीड़ आने वाली है टर्निंग टू मंजुला ही सैड कैजुअली और मंजुला की तरफ मुड़ते हुए उसने कैजुअली कहा पीटी, यू आर कमिंग ये बहुत दया की बात है कि तुम नहीं आ पा रही हो आई एम श्योर यू वुड हैव वन अ प्राइज और मैं आश्वासित हूँ कि तुम इनाम जीत सकती हो आई माइट स्टिल विन वन मंजुला रिप्लाइड एज कैजली एज शी कुड और मंजुला ने भी रिप्लाई किया कि मैं एक जीतूंगी इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी और ये मेरी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा यूर कैटेगरी क्राइड अमोल अमोल ने कहा तुम्हारी कैटेगरी मंजू हे डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग इसका मतलब ये है कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो ही जम्पड अप एंड पम्प्ड हिज हैंड्स अप एंड डाउन और वो एकदम उछला और अपने हाथों को ऊपर नीचे करने लगा आई न्यू यू वुड डू इट मैं जानता था तुम ये जरूर करोगे आई वे श्योर यू वुडेंट गिव इन मैं जानता था तुम हार नहीं मानोगे गिव अप नहीं करोगी मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली मंजुला ने अपने हाथों को फ्री करके और आंसर दिया बहुत प्यार से इफ़ रिच बेलेंगर को डू इट वाई नॉट मंजुला पारेलकर जब रिच बेलेंगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं कर सकती हर ब्रदर लुकड एट हर अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस और उसके जो ब्रदर है उसके जो ब्रॉड एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आती है रिच बेलेंगर मिसेज पारेलकर आज सरप्राइज मिस उसकी मदर ने पूछा बहुत हैरानी से रिच बेलिंगर हु इज़ रिच बेलिंगर रिच बेलिंगर कौन है रिच बेलिंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर प्लेस फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट इज दैट समथिंग रिच बेलिंगर मंजुला ने कहा कि वो एंड हर ब्रदर प्लेस फुटबॉल विद उन दोनों ने एक साथ क्या कहा कि रिच बेलिंगर फुटबॉल खेलता है आर्टिफिशियल फीट के साथ ये इज दैट समथिंग ये बहुत अजीब नहीं है बहुत अच्छा अलग सा यूनिक सी बात नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर वॉचिंग